हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन डायमेंशंस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि डायमेंशंस कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इसमें देते हैं। तो हम उसके अंदर पूरा टोटली जो अपने को एक स्टैंडर्ड डायमेंशन चाहिए ना, तो वो अपने को इसमें अंदर देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमेंशंस के अंदर इसमें आएंगे। डायमेंशन अपने के इसके यहाँ सेलेक्ट करके इसको अलग से अलग ले लेंगे, क्योंकि इसको अपने साथ ऊपर रखना डायमेंशन को। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास पहला हम यूज़ करते हैं ये सर्कल का भी डालता है, सबकी यूज़ के काम आता है। ठीक है, सर्कल का भी रेडियस देता है, ये सब देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट होता है ना, तो उसका हम पहले जो एक मेटल का साइज एक्चुअल साइज में अपने को कितना चाहिए ना, तो वो डिसाइड करते हैं। तो लेंथ को डबल क्लिक करेंगे डायमेंशन को, इसमें क्या है डबल क्लिक करने पे पहले अपने को टोटल लेंथ मेटल कितना होना चाहिए, ये टोटल लेंथ। ठीक है, आपको सीन नहीं हो रहा होगा, देखो सेलेक्ट करो इसको, टोटल लेंथ कितना अपने पास 200 का, तो टोटल लेंथ अपने पास 200 का हो गया। अब इसका जो चौड़ा है वो कितना है, तो यहाँ से मेटल का अपन क्या करते हैं साइज इंक्रीज करके लेते हैं। ठीक है, तो 120 साइज है, ये हो गया। अब आपने बोला 200 का कैसे है, तो देखो ये इधर रेडियस है, ये आपने कितने का है, इसमें से अगर कभी भी हाफ सर्कल हो तो उसका हमें से क्या है रेडियस में डालेंगे। ठीक है, तो ये 60 का सो रहा है आपको। ठीक है, डायमेंशन हमें सर्कल के अंदर रहना चाहिए, इसको अंदर भी डाल सकते हैं। 60 का ये हो गया आपके पास। अब इससे सेंटर पॉइंट कितना है तो वो देख लो, तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अपने आप सेंटर पॉइंट आ गया 140 का। तो टोटल लेंथ आपके पास कितने की आ गई, 200 की। अब थिकनेस, थिकनेस देते हैं इसके अंदर, जो जो मेजर मेजर है ये अपने पास मेजर डायमीटर, कि भाई अपने को पता होना चाहिए कि भाई हाँ 200 का एक पूरा अपने पास वर्क पीस है, 120 का ये है और 40 थिकनेस है। अगर हम मेटल ऑर्डर करेंगे तो आपको मेटल ऑर्डर करना सिखाता हूँ, तो वो अगले सेक्शन में सिखाएंगे मेटल ऑर्डर करना। तो चीज़ ये हो गया। अब हम इसके अंदर अपने देते हुए ये नीचे से 40 पे, लेकिन ये सेंटर पे कितना इधर से कितना है वो अपने को डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर सेंटर पॉइंट डालेंगे। तो हम एक्सिस का यूज़ करेंगे और सेंटर पॉइंट दोनों लाइन से सेंटर पॉइंट आ गया अपने पास। ओके, तो सेंटर पॉइंट इसको लेंथ को बड़ा कर सकते हैं अपने, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो पता रहेगा कि हाँ सेंटर पॉइंट से ही अपने पास में 44 पे सेंटर पॉइंट का लेके इसको करने का है। ओके, यहाँ फिर डायमेंशन ले रहे सेंटर पॉइंट से इसकी और इसकी, यहाँ देखो 120 दिखा, लेकिन 60 दिखाना चाहिए, तो राइट क्लिक हाफ डायमेंशन, फिर ये एक्चुअल साइज दिखाएगा, फिर इसको साइज करना इंक्रीज कर दो। तो ये चीज़ तो अपने पास हो गया एक्यूरेट में। ठीक है, अब बात आती है जो नीचे के दो होल ड्रिल की, इस पॉकेट की, तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो ये हमने डायमेंशन डाल दी, फ्रंट व्यू नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, टोटल डायमेंशन सबसे पहले आके फिर इसके हिसाब से आएगा। तो पहले हम दोनों को सेंटर पॉइंट को ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 80 का, तो इसके अंदर टॉलरेंस अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायमेंशन हो गया, अरे हो गया। अब ये अपने पास कितने का है, तो थ्रेड कैसे देंगे इसके अंदर, देखो ये थ्रेड का ऑप्शन है, थ्रेड डायमेंशन का, इसके ऊपर क्लिक करके इसमें डालेंगे। तो ये थ्रेड का अपने आप ले लिया, फिर 10 का लग रहा है, ये लग रहा है, तो अपन थ्रेड इसमें नहीं देंगे, उधर वाला सीजन में देंगे थ्रेड, इसमें अपन थ्रेड नहीं दिखाएंगे। अब देखिए 20 लग, स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट पॉइंट डालेंगे इसके अंदर, कि भाई हमें इधर से स्टार्ट करना है, राइट क्लिक एंड हाफ डायमेंशन। ठीक है, तो इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया इधर से अपने का, इधर से 20 छोड़ के 80 के ऊपर अपने को क्या करना है 80 पे, तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया 20 80। लेकिन ये अपने पास कितने का क्या है, तो ये सो नहीं हो रहा है, तो इसको इधर से लेके थ्रेड पे क्लिक करेंगे,
इधर करके क्लिक होता है 20 डायमेंशंस एम 10, लेकिन अपने डायमीटर 10 नहीं चाहिए, अपने को एम 10 का चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें एम 10 लिखेंगे तो एम कैसे लिखेंगे और 10 कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम वो भी आ रही है। इसको क्या करें, सिंगल डिलीट भी होता है, थ्रेड को यूज नहीं दिखता है। तो इसमें अपन तो डाला है ना उसका एम 10 को, उसका एम 10 कर देते हैं, क्योंकि अपने को डायमीटर 10 नहीं चाहिए, एम 10 चाहिए। तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया हमने और डायमेंशंस हो गया अपने पास में, डायमीटर इधर अपन एम लिख देते हैं, एम लाइन रहेगा तो साथ में एम आएगा, लेकिन डायमीटर आ रहा है अपने को डायमीटर नहीं चाहिए, डायमीटर नहीं चाहिए अपने को। तो क्या करेंगे अपन इसमें, फिर इसका कोई उपाय, कोई इलाज, कोई सोल्यूशन, सोल्यूशन भी है। 20 डाल दिया, फिर एनोटेशन में जाएंगे और इधर लिखेंगे लेटर से, लेटर से लिख देंगे एम एम 10, जो होल अपने को एम 10 का चाहिए, ठीक है। एम 10 का चाहिए, इसकी साइज भी इसको डाल देते हैं। तो ये पूरा और इसका हो जाएगा, बचा क्या ये, ठीक है। तो इसका हम डायमेंशन भी डाल रखे हैं, सेंटर पॉइंट भी डाल रखे हैं, ठीक है। कितना क्या, अब अपने को सर्कल डालना है कि कितने पे क्या। तो पहले हम रेडियस का लेते हैं, तो 20 का ये चाहिए, एक डायमेंशन खोल लेते हैं, क्लिक करके ये 13 का चाहिए। लेकिन अब इसका ये कितने कितने का, तो डबल क्लिक करो, पहले इसके डेप्थ डालो, फिर 10 का चाहिए, फिर इसके डेप्थ डालो, 30 का चाहिए। ये भी एक तरीका है इसमें, ठीक है, शो करने वाले, ताकि ऑपरेटर को अच्छे समझ में आए। इसके अलावा भी एक और है अपने पास में, कि उससे भी ऑपरेटर को समझ में आएगा अच्छे से कि क्या है क्या नहीं, वरना इसको रहने दो, 10 डाल दो, 30 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि थ्रू दिख रहा है ना वो कट सेक्शन के हिसाब से। तो ये अपने पास का प्रोडक्ट का हो गया। अब इसमें हम जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू ले रखें, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करो, राइट क्लिक, प्रोडक्ट में जाओ, 3D सॉरी 3D कलर, 3D कलर में आ गए, फिर नीचे आए रिसेट करेंगे, फिर ऑफ पे क्लिक करेंगे और इधर से शेडेड विद एजेड डालेंगे, नॉर्मल क्वालिटी क्लोज एंड अप्लाई, तो अपना ही कलर ले लेगा, ओके। तो डायमेंशंस का पूरा अपना पास ये पार्ट हो गया पूरा एक, और अब हम एक और पार्ट करेंगे जिसमें एक्सेस का बारे में डिटेल करेंगे, और जो सर्कल्स वगैरह है उसका हम डालेंगे, ठीक है, थ्रेड वगैरह कैसे क्या करते हैं चीज़ में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ डायमेंशन डाला देखा है प्रोडक्ट की, आपको मैंने सिखाया था मेटेरियल का साइज क्या लेते हैं। तो देखो जैसे अपने पास MS में अंदर आएगा, ठीक है, तो MS में आएगा तो ये 40 का है और ये 20 का है और ये 120 का, तो 5 में बढ़ा दो, 125x205x45 का चाहिए अपने को मटेरियल, तो मशीनिंग हो गया वो अपने आप इस पर आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड को बताओ, कमेंट करो।